प्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बात करेंगे नीमच की, जहां पर पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला किया है। जैतपुरा फतेहपुर राजस्थान की निम्बाहेड़ा सदर पुलिस लूट के आरोपी को ले जा रही थी और इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने एसआई नानूराम गहलोत को गोली मार दी। आरोपी को छुड़ाकर ले गए। एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेश मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस टीम पर पथराव हुआ है, हमला हुआ है, बदमाशों ने हमला किया है। आठ हमलावरों ने एसआई को गोली मारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस टीम पर बदमाशों के हमले की ये तस्वीरें हैं। आठ हमलावरों ने एसआई नानूराम गहलोत को गोली मारी, आरोपी को छुड़ाकर ले गए थे ये सभी बदमाश। एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेश मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस टीम पर बदमाशों का हमला हुआ है। निम्बाहेड़ा सदर थाना जिला चित्तौड़ की पुलिस जो है लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में गई थी और वहां से आरोपियों को राउंड अप करके अपने साथ लेकर जा रही थी कि इसी बीच जो है नीमच के जो जैतपुरा फंटा है उसके पास में एक उन्हीं आरोपियों के साथी जो पल्सर मोटरसाइकिल से थे उन्होंने ओवरटेक करके स्कॉर्पियो को रुकवाया और रुकवाने के बाद आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया। आपस में गुत्थम गुत्थी हुई है। इसी दौरान उन्होंने आरोपी जो अंदर थे, तीन आरोपी जो राउंड अप थे, उन्होंने सर्विस रिवाल्वर जो सब इंस्पेक्टर थे हमारे नारूलाल गहलोत, उनकी सर्विस रिवाल्वर छीन कर उन पर फायर किया, जिससे उनके जांग में जो है गोली लगी है और एक पंप एक्शन 12 बोर की बंदूक भी जो है उनके पास में थी, उनसे को भी छुड़ाकर आरोपी भागे हैं। तो पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला किया है। अज्ञात हमलावरों ने एसआई नानूराम गहलोत को गोली मारी है। आरोपी को ये बदमाश छुड़ाकर ले गए। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विश्वदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वदेव, पुलिस पर हमला हुआ है, बदमाशों द्वारा ये हमला हुआ है, आखिर किस तरह से ये घटना हुई, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी ऋतु जी, ये देर रात की घटना है। नीमच से एकदम सटा हुआ बाईपास पे फोर लेन फंटा है जैतपुरा, इसके कुछ कदम दूरी पर ही नार्कोटिक्स विंग का एक बड़ा ऑफिस भी है और ये जैतपुरा फंटा मूल रूप से देह व्यापार के अड्डे के रूप में इस क्षेत्र में जाना जाता है। यहाँ आपराधिक लोगों की शरण स्थली भी बनी हुई रहती है और इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की ये बहुत बड़ी घटना है और किसी पुलिस पर हमलावरों ने हमला कर आरोपियों को ले गए हैं, इससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र में सनसनीखेज हो गया। और देर रात तक जब पुलिस वाले को अस्पताल ले गए तो सारे पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए थे, समाज के भी कुछ लोग पहुंचे और रात को एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे थे। और गनीमत यह रही है कि इस घटना में उनके प्राण बच चुके, पर यह इस क्षेत्र में अप्रत्याशित घटना है कि किसी पुलिस वाले बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं, यह एक कहां लॉ एंड ऑर्डर पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। अभी तक इस बारे में विश्वदेव पता चल पाया है कि आखिर कितने उसमें आरोपी थे और कहां के रहने वाले थे, कौन थे, इस बारे में कोई जानकारी? ये पिपलिया मंडी के यहाँ आरोपी थे और दो पल्सर गाड़ी पे इनको छुड़ाने के लिए आए थे और साथ में चार लोग और इनके साथ थे जो ले गए इनको। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वदेव। तूफान बिपर जॉय का खतरा बढ़ा है, तूफान पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, सरकार सतर्क है। आज गुजरात से टकराएगा बिपर जॉय, सात राज्यों में भारी बारिश को का अलर्ट जो है जारी किया गया है। गुजरात के आठ जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया, गुजरात केरल के तटों को खाली कराया गया है तटीय इलाकों की और तूफान लगातार बढ़ रहा है। द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी किया गया, कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तूफान से निपटने के लिए नौसेना तैयार है, नेवी के चार जहाज हेलीकॉप्टर तैयार हैं। गुजरात और केंद्र सरकार के बीच
लगातार संपर्क बना हुआ है। 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बिपरजॉय तूफान का एमपी में असर देखने को मिलेगा। बिपरजॉय तूफान कराएगा नॉर्थ वेस्ट एमपी में बारिश। बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, कला में ये जारी किया गया है। राजस्थान से एमपी से तूफान एंट्री करेगा। आज लो प्रेशर के साथ एमपी में प्रवेश करेगा। 16 तारीख के आसपास नीमच, मंदसौर, रतलाम में बरसात होने की संभावना है। 17 तारीख को चंबल संभाग में बादलों, गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बांग्लादेश ने तूफान का नाम बिपरजॉय रखा है। एमपी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। गुजरात के तटीय इलाके में ज्यादा असर दिख रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, एमपी में भी असर बिपरजॉय का देखने को मिलेगा, एमपी में भी एंट्री होने जा रही है, क्या आखिर स्पेशलिस्ट इस बारे में कहते हैं? बिल्कुल, देखिए बिपरजॉय तूफान का जो असर है वो देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। बिपरजॉय के चलते जो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है उसके चलते नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसमें ग्वालियर, चंबल, दमोह, मंदसौर यानी कि ग्वालियर चंबल के साथ मालवा का इलाका जो है वो भी शामिल है और कुछ इलाका बुंदेलखंड का भी शामिल है। और बिपरजॉय का असर जब से शुरू हुआ है, जब से भारत पहुंचा है ये तूफान, उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश के अन्य कई इलाकों में भी मौसम में जो परिवर्तन है वो देखने को मिला है। अगर राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो कल शाम भोपाल में भी जो बारिश है वो हुई थी और थोड़ा सा जो टेम्परेचर लगातार जो टेम्परेचर में एक बढ़ोतरी का दौर चल रहा था तो टेम्परेचर में भी थोड़ी सी जो गिरावट है वो दर्ज हुई है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह जो बिपरजॉय का जो असर है वो एमपी में रह सकता है। हालांकि इसके चलते अच्छी बात यह है कि लोग लगातार जो गर्मी से परेशान हो रहे थे उनको कुछ हद तक गर्मी से राहत मिल सकती है। लोगों को थोड़ा सा सजग भी रहना होगा क्योंकि जब बेमौसम बारिश होती है तो बिजली गिरने जैसी जो घटनाएं हैं वो भी कई बार निकल कर सामने आती हैं। तो जब मौसम खराब रहे तो उस दौरान बहुत महत्वपूर्ण ना हो तो अपने घरों से ना निकलें और अगर निकलें भी तो बहुत अपनी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखें, ऐसा जो मौसम वैज्ञानिक हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। हालांकि अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि कितना लंबे समय तक ये लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट रहता है और संभावित जो बारिश है वो कितनी होती है, क्योंकि अब इंतजार प्री मानसून एक्टिविटीज का भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु। एमपी में चुनावी साल में लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं और इस बीच अरुण यादव के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। अरुण यादव ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। देखिए, मोदी जी आ जाए, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं। एमपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं बयानों की तलखी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी हमलों के चक्कर में नेता शब्दों की मर्यादा भी भूले जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का ये बयान कुछ ऐसा ही है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आरएसएस की तुलना रावण से कर चुके हैं, अरुण यादव इनसे भी एक कदम आगे निकल गए और पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे दिया। अरुण यादव प्रधानमंत्री के एमपी दौरे पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान बीजेपी की चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव की बयार है, चुनाव प्रचार के लिए मोदी आ जाएं या उनके ऊपर के नेता, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी आ जाएं और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाएं, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो स्पष्ट हमें नजर आती है। इधर पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी करने पर सीएम शिवराज ने अरुण यादव पर हमला बोला है।
सीएम ने ट्वीट किया कि अरुण यादव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो उनकी स्तरहीन मानसिकता का प्रतीक है। यही कांग्रेसी कल्चर, इनकी मोहब्बत की दुकान है। अरुण यादव के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया। बीजेपी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष ने बयान को देश की जनता का अपमान बताया और माफी की मांग की। उधर मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले, ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार है, कांग्रेस की हताशा है जो सामने आ रही है। अरुण यादव जी ने जिस प्रकार के ओछी शब्दावली का जो उपयोग किया है, अरुण जी आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिता सुभाष यादव जी भी बड़े मन से दुखी होंगे कि मैंने तो ये संस्कार अरुण को नहीं दिए थे, लेकिन ये देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के स्वर्गीय पिताजी के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये कहां से सीखे। नहीं, यही संस्कार है उनके कि जो दुनिया में नहीं है उनकी माताजी के बारे में कई बार कहा, पिताजी के बारे में आज फिर कांग्रेस ने अरुण यादव जी ने कहा, और ये कई बार किस इस तरह की बातें मोदी जी के बारे में की हैं कांग्रेस ने। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस में ना संस्कार है ना संस्कृति है, और इस कारण से इस तरह की बातें कांग्रेस के लोग करते हैं। बयान पर बवाल मचा तो अरुण यादव फिर सामने आए। हालांकि अपने बयान पर ना तो उन्होंने खेद जताया ना माफी मांगी। बोले, मैंने गलत क्या कहा, मोदी जी को आना है तो आए। मैंने कहा कि भाई मोदी जी तो हर महीने आते हैं यहाँ पर, और नड्डा जी भी आते हैं यहाँ, नड्डा जी भी यहाँ पर आते हैं, उनके अन्य नेता लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो मैंने क्या गलत कहा है। मैंने यही कहा कि मोदी जी तो कई बार आ चुके, मोदी जी ने तो 18 सभाएं, 20-20 तो सभाएं कर्नाटक में भी ली थी, उनका स्वागत है, आए यहाँ पर, उनका मना कर रहे हैं उनको आने से। पीएम मोदी पर निजी टिप्पणियां कर पहले भी कई नेता फंस चुके हैं। अरुण यादव भी अपने बयान पर फिरते नजर आ रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के संस्कार पर सवाल उठा रही है, इस बयान को बड़ा मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है, लड़कियों को अब सशक्त बनने की जरूरत है, लड़कियां मंदिरों में सिर्फ दर्शन करने के लिए ना जाएं बल्कि उन्हें देवी के अस्त्रों के ज्ञान के लिए भी जाना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यदि कोई अत्याचार करे तो उस अत्याचार का प्रतिशोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में माहौल तेजी से बदल रहा है, लोगों को धर्म के प्रति आस्था तेजी से बढ़ रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सर, आप लगातार कथा कर रहे हैं और अब तो यदि हम कहें तो लोगों का मन भी तेजी के साथ बदल रहा है, धर्म की तरफ लोग प्रेरित हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है? कथावाचक जिस तरीके से कथा का वर्णन कर रहे हैं, पूरे देश का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म जागृत हुआ है और हमारे मंदिर देवालय शिवालयों में भक्तों की भीड़ बढ़ी है। अन्य समय पर भक्त लोग जाते नहीं थे, नवयुवक लोग नहीं जाते थे, आज बच्चा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। सर, आप खुद लोगों को कथा का वर्णन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो अध्यात्म से दूर हो गए थे या धर्म से दूर हो गए थे वो वापस अपने धर्म की तरफ लौट रहे हैं? बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं उनके हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत हुआ है, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव जागृत हुआ है और वो लोग अपने धर्म के प्रति। अभी कुछ घटनाएं इस तरीके से हुई हैं कि कहीं किसी लड़की पर वार हो गया, कहीं लव जिहाद की घटना इस तरीके से हो जाती हैं, कहीं भटकने की खबरें निकल कर आती हैं, दमों में जो घटना निकल कर आई वो भी धर्मांतरण की बात दिखाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें भी एक धर्म और आप जैसे जो कथावाचक हैं वो एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? क्यों नहीं, एक कथाकार या संत या साधु या सन्यासी मार्ग को प्रशस्त करता है। जो आज बेटियों के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे संस्कार अगर बच्चियों में अच्छे होंगे
बच्चों में अच्छे होंगे, तो पूरा है कि आने वाले समय में हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहेगी और अपन भी सुरक्षित। आपने कहा देवी भक्ति अकेले नहीं है, यानी उनके अस्त्र शस्त्र भी देखे। बिल्कुल जरूरी है, मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए तो माता रानी के हाथ में तलवार भी है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल भी है, नारायण के हाथ में चक्र भी है, वो जरूर दर्शन करिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा हैं जिनका कहना है कि जो लड़कियाँ हैं उनको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके से देवियों की आराधना की जाती है, उनके अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल जब किया जाता है तो उसकी तरफ भी अब फोकस करना होगा और धर्म के प्रति लोगों का अब जो आस्था है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। शिवरंजनी तिवारी कलश लेकर छतरपुर पहुंच चुकी हैं लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। डिहाइड्रेशन और लूज मोशन को शिकायत के बाद वो अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। कलश लेकर शिवरंजनी गंगोत्री से पैदल यात्रा शुरू उन्होंने करी और उनकी यात्रा बागेश्वर धाम पर खत्म होगी। ये तो कहा नहीं जा सकता है कि सेकंड है कि नहीं, क्योंकि ये मानव की इच्छा शक्ति और उन सब पर भी निर्भर करता है। पर हाँ, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो थी उनको और डिहाइड्रेटेड भी थी, इसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत। तो खान पीन के कारण इस तरह से हो सका है क्या? जी जी बिल्कुल, खान पान इधर उधर के खान पान होने से भी। यूं तो जिला अस्पताल से अक्सर लापरवाही या फिर अनदेखी की तस्वीरें सामने आती हैं लेकिन नीमच जिला अस्पताल से सुकून देने वाली खबर आई, जहां के डॉक्टरों ने निराश हो चुके जोड़े की गोद 3 बच्चों से भर दी। दरअसल यहां पर 23 साल की एक गर्भवती महिला आई जो चौथी बार गर्भवती थी, इससे पहले 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। जिला अस्पताल के डॉक्टर धाकड़ ने महिला का लगातार 9 महीने तक इलाज किया और 5 दिन पहले महिला ने 3 संतानों को जन्म दिया। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा हुआ, मेरे बच्चे आईसीयू में भी चले गए थे, बाकी अच्छे हैं और आईसीयू से बाहर निकल गए और आज हमारे छुट्टी होने वाली है। तो काफ़ी की प्रेगनेंसी चाहिए उस टाइप से, तो प्रेगनेंसी के लिए इलाज करवाने ही आई थी इनफर्टिलिटी का, तो उसके बाद वो कंसीव हुई उसके ट्रिपलेट। एक दौर था जब बेटी बोझ मानी जाती थी पर दौर बदला, सोच बदली और आज बेटी को वरदान मानकर लोग बेटी के जन्म होने पर खुशियां मना रहे हैं। ऐसी ही खुशियां मनाई हरदा के राठौर परिवार। राठौर परिवार में पैदा हुई नन्ही बेटी जब अस्पताल से पहली बार घर आई तो ग्रैंड वेलकम किया गया। जिस राह से गुजर कर बेटी घर की दहलीज तक आई उस राह पर फूल बिछाए गए, पटाखे फोड़े गए और मिठाई बांटी गई। बेटी के पहुंचते ही सबसे पहले उसके पैरों में कुमकुम लगाकर पद चिन्ह लिए गए। इन पद चिन्हों को पिता नीलेश ने माथे पर लगाया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। 12वीं के टॉपर्स को मिलेगी।